पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आजादी के 75वें वर्ष को मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के द्वारा ध्वजारोहण कर मनाया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के नए कार्यालय पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि DIC जिला उद्योग केंद्र अनुज कुमार, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक नजमुल इस्लाम, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल, नदीम खान, अनु ढल, हसनैन अख्तर, तान्या भाटिया और अन्य सम्मानित निर्यातक सम्मिलित हुए। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हम सभी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक नया विचार करते हुए देश को समर्पित होना चाहिए और देश को विकसित बनाने के लिए हम सभी को प्रयास करने चाहिए। सभी ने कहा कि यदि हम सभी का प्रयास रहेगा तो जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है उनका सामना हम आसानी से कर सकेंगे और देश को एक नया आयाम पर ले जाने में अपना सहयोग कर सकेंगे। आज के इस पावन पर्व पर जब हम लोग अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मैं अपने जनपद के समस्त नागरिकों को अपनी ओर से और अपने MHEA निर्यातक बंधुओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता में समस्त प्रकार की स्वतंत्रताएं सम्मिलित है, जिसमें हम मानसिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसमें इस वर्ष का जो लक्ष्य लिया गया है $400 बिलियन एक्सपोर्ट करने का, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जनपद इस ओर अग्रसर होगा और अपने निर्यात के बलबूते पर भारत का जो निर्यात का लक्ष्य है उसमें अपनी पूरी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम लोग एक और बेहतर और अच्छा उन्नत देश के योगदान में बनाने के में अपना पूर्ण योगदान हम लोग सब अपना देंगे, मैं पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों को नई खुशियां लेकर आया है। हमने ओलंपिक में भी नए कायम किए हैं, स्वर्ण पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है और भारत ने कोरोना को भी काबू करके विश्व में अपना अग्रणी रोल निभाया है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय कोरोना का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, यही हमारी सच्ची 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की एक प्रक्रिया होगी। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के 75वें दिवस के अवसर पर आज मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन की बिल्डिंग में ध्वजारोहण किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुज कुमार जी, जिला उद्योग महाप्रबंधक, और हमारे महासचिव महोदय और समस्त निर्यातक हसन अख्तर साहब, नदीम अहमद साहब और काफ़ी निर्यातक जो यहाँ पर मौजूद थे, मैं सभी निर्यातकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ और सभी से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले पर्व पर, रक्षाबंधन और मुहर्रम पर, सभी आर्टिजन, सभी निर्यातक, सभी शहरवासियों को मैं हार्दिक पुनः मुबारकबाद देता हूँ। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग में पहली मर्तबा ध्वजारोहण हुआ है। मैं तमाम ही एक्सपोर्टर हजरात को, शहरवासियों को, भारत के वासियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस कामना के साथ कि आने वाला वक्त कोरोना काल को हम लोग हरा करके नए वक्त में काम आए करेंगे उसमें, और सब लोग मिलकर के हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं इस आशा के साथ कि आने वाला वक्त निर्यातकों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज ये हमारा बहुत गौरव का दिन है और इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्राइड फॉर अस कि हम MHEA और EPCH के साथ में जुड़े हैं आज झंडा लहराने के लिए। राष्ट्रध्वज जब भी लहराता है तो बहुत गर्व होता है और सारी एसोसिएशंस के साथ में मिलकर ये झंडा लहराना और भी गौरव की बात है। थैंक यू वेरी मच। विशिंग एवरीबडी अ वेरी वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे, होपिंग दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द कोविड एरा एंड द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेश स्टार्ट एंड बाई नेक्स्ट ईयर वी आर कोविड फ्री एंड with all our exporters and artisans we are leading a very happy, healthy and progressive life. All the best for everybody.
पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।